आप प्रश्न नंबर एक किसे कहते हैं? निम्न उपसर्गों से मूल शब्द बनाइए, जैसे उपसर्ग जब व्यवहार कर आप बनाएंगे तो उपहार आदि आदि, विवेचन आदि, प्रहार आदि, आप अनमोल, आप आंखें, आनंद आदि, कासे लासे और टासे उपसर्ग लिखे हुए हैं मूल शब्द बनाने। प्रश्न नंबर दो में हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाले उपसर्गों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर तीन प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्ययों के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर चार निम्न प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। लेखक कौन सी असमंजस में फंसा हुआ है? प्रश्न नंबर दो धूरी का साला दूसरे दिन क्यों आया होगा? प्रश्न नंबर तीन योजना सफल न हुई तो अंत में क्या हुआ? प्रश्न नंबर चार लेखक को तैरना क्यों नहीं आता? प्रश्न नंबर पाँच लेखक का गांव कैसे किनारे पर है? प्रश्न नंबर छः लेखक का साथी घबरा उठा लेकिन लेखक निश्चिंत क्यों था? प्रश्न नंबर होमवर्क में प्रश्न नंबर एक से प्रश्न नंबर चार तक लर्न करना दैट्स ऑल।